नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। हरिद्वार के विशुदानंद आश्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रेवाड़ी की श्री शिव कावड़ सेवा संघ की ओर से 35वां विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में सोमवार शाम रेवाड़ी से राशन के दो ट्रक समिति के सदस्यों और सेवादारों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना किए गए, जिनके साथ संस्था के सदस्यों ने भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए ढोल की थाप पर नाच गाकर घंटेश्वर मंदिर तक पहुँचे और बाबा की धोक लगाकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। संस्था के प्रधान जोगाध्यान गुलियानी ने बताया कि हर वर्ष हरिद्वार में सूखी नदी स्थित विशुदानंद आश्रम में श्री शिव कावड़ सेवा संघ की ओर से विशाल भंडारा लगाया जाता है, जिसमें शिव भक्त कावड़ियों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का खाना दिया जाता है। मैं जोगाध्यान गुलियानी श्री शिव कावड़ संघ से प्रधान हूँ। हमारा 35वां विशाल कावड़ियों का भंडारा विशुद्धानंद आश्रम हरिद्वार में लगाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिद्वार में विशुद्धानंद आश्रम में कावड़ियों की सेवा के लिए प्रसाद भी उन्होंने बताया कि उनकी संस्था में 45 सक्रिय सदस्य और 5 पद अधिकारी हैं। शहर के लोगों के सहयोग से हर साल चंदा एकत्रित कर हरिद्वार में भंडारा लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि यह भंडारा 4 जुलाई से 8 जुलाई तक रहेगा। हमारा ये 35वां का भंडारा है। हर साल श्री शिव कावड़ संघ की ओर से हरिद्वार में विशुद्धानंद आश्रम में भंडारा 8 जुलाई को श्री शिव कावड़ सेवा संघ की ओर से 4 ड्रम गंगाजल शिवरात्रि पर शहर के मंदिरों में वितरण करने के लिए लाया जाएगा। रेवाड़ी की इस संस्था द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारी इस न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो या लाइक करना न भूलें। जय हिंद।